आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर में लगातार ईडी की रेड जारी है और ईडी की रेड की बात की जाए, जैसे ही ये जानकारी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या तमाम जो लीडरशिप को पता लगती है, तुरंत बाद उनका गुस्सा फूटता है और लगातार वो इस चीज़ के आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए फिर से एक बार ईडी का जो खेल है वो शुरू हो चुका है। हालांकि कल बीते दिन जैसे भी रिजल्ट आना, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की ईडी की फिर से रेड जो है आम आदमी पार्टी के अलग अलग, चाहे राज्यसभा सांसद है चाहे मौजूदा वो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन पर भी जो की है, अब तो वो सबका मुख्यमंत्री हो चुके हैं दिल्ली के, उनके घर पर भी ईडी की रेड की गई थी लगातार। और संजीव अरोड़ा की बात की जाए तो उनके जो जालंधर स्थित घर में है लगातार जो ईडी की रेड चली है और उनके ऊपर धोखाधड़ी करके जो है जमीन कंपनी के नाम करने के जो आरोप लगे। हालांकि संजीव अरोड़ा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी देते हुए कहा है कि वो हर तरीके के जो कि इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेने के लिए वो बिल्कुल शामिल होंगे, जो भी सवाल जवाब होंगे ईडी के उसको वो पूरी तरीके से फेस करने को भी तैयार है और जवाब देने को भी तैयार है। लेकिन ईडी की रेड क्यों गई है, क्योंकि वो कानून की पालना करते हैं और लगातार उन्होंने ये भी जवाब दिया है कि आखिर रेड क्यों की जा रही है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि धोखाधड़ी उनकी कंपनी की तरफ से नहीं की गई है। आपको बता दें संजीव अरोड़ा बड़े कारोबारियों में से आते हैं और एक साल पहले ही उन्होंने राजनीति सफर जो शुरुआत किया है, वो भी उन्होंने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा से उनको सीट दी गई है। संजीव अरोड़ा के अलावा अगर बात की जाए तो और भी कारोबारियों के ऊपर लगातार आज ईडी की जो रेड है वो की जा रही है। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए नाम बताना चाहेंगे कि आज जो सूत्रों की अगर हवाले की खबर मानी जाए तो 17 अलग अलग जगहों के ऊपर ईडी की रेड जो है वो लगातार जारी है, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया, बकायदा जो सबका मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, आतिशी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से लगातार इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है और उन्होंने कहा फिर से तोता मैना का जो खेल है वो शुरू हो चुका है, एक बार फिर से जो भाजपा है अपना रूप जो है वो दिखाना शुरू हो चुकी है। और हालांकि अगर भाजपा की बात की जाए तो रवनीत बिट्टू की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है कि आखिर क्यों अगर रेड की जा रही है, अगर कोई मामला है करप्शन का मामला इसीलिए रेड की जा रही है और आम आदमी पार्टी क्यों उसका विरोध कर रही है। हालांकि लगातार उसका विरोध किया जा रहा है। संजीव अरोड़ा से हटकर अगर बात की जाए, जहां 17 ईडी के अलग अलग ठिकानों पर आज ईडी की रेड हुई है, वही जानकारी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकानों पर भी जालंधर में जो ईडी की रेड की गई है, रॉयल इंडस्ट्री कंपनी और रितेश प्रॉपर्टी पर भी जो छापेमारी है वो ईडी की रेड की गई है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी की है, ईडी की रेड लगातार अलग अलग जगहों पर होती रहती है। हालांकि कुछ समय पहले जब विधानसभा चुनाव थे तो हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर ईडी की रेड हुई थी, लेकिन आज जिस तरीके से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड की गई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ईडी की रेड क्यों लगातार इस तरीके से की जा रही है, आखिर ईडी क्यों फिर से जो है छापेमारी कर रही है, क्योंकि इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। हालाँकि संजीव अरोड़ा ने इस चीज़ को कहा है कि वो हर तरीके के जो भी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा वो कानून की पूरी पालना करेंगे, हर इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा बनेंगे। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर जो ये ईडी की रेड की गई है, जब कारोबारी जब संजीव अरोड़ा से इस चीज़ के बारे में जानकारी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, जब पूछताछ की जाएगी, तो किस तरीके की चीज़ें आगे आती हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।